ऐसा है कि कानपुर क्षेत्र प्रबंधक महोदय ने हमारे डिपो से 75 बसों की मांग की है, जिसपे चालक और परिचालक दोनों लगा के उनको उनकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है और आगे जिस रूट पे गाड़ी चलाने के लिए वो कहेंगे उस पर चलाई जाएगी। कितनी बसें हैं यहाँ पे? कानपुर क्षेत्र से 450 बसों की मांग है। उन्नाव से 75 बसें। और जो ब्लॉक लेवल पे भी कुछ बसें चलाने का है? ब्लॉक लेवल पे ये है कि जैसे दिल्ली कानपुर रोड पे मार्ग की गाड़ियों को थोड़ा कम करके उनको ब्लॉक मार्ग पे चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है? जी, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि अगर 52 यात्री एक मुश्त है, एक समूह में है, तो उनके साथ एक यात्री फ्री भी किया जाएगा। खड़े हैं उन्नाव के रोडवेज वर्कशॉप में, जहां से उन्नाव की रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है। प्रयागराज कुंभ 2019 के लिए इस वर्कशॉप से 75 बसों का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हर ब्लॉक पे दिल्ली व लखनऊ रूट से बसें काट के लगाई जा रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जहां से इन बसों का संचालन किया जा सके। उन्नाव से पंकज कुमार, ईटीवी भारत।